हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपीएससी के सोशियोलॉजी पेपर 2 के इंडोलॉजी को डिस्कस करेंगे। इंडोलॉजी किसे कहते हैं? पर्टिकुलरली दो स्कॉलर्स हैं, लुई टूमो और जीएस घुरिए। उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कास्ट सिस्टम से रिलेटेड उन्होंने क्या स्टडीज दी हैं। इंडोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है सोशल साइंस का, जिसमें एंशियंट टेक्स्ट की स्टडी करते हैं एंशियंट इंडियन कल्चर को समझने के लिए। वो एंशियंट टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स जो हजारों साल पहले लिखे गए थे, रिलीजियस लिटरेचर का अध्ययन करके, जैसे कि वेदास, पुराणास, मनुस्मृतिज वगैरह वगैरह। इसलिए इंडोलॉजी को बुक व्यू भी कहा जाता है या फिर टेक्स्चुअल पर्सपेक्टिव भी कहा जाता है। इसका रीजन ये है कि इंडियन कल्चर इतना यूनिक है कि इसके पीछे की एसेंस को समझने के लिए इंडोलॉजिस्ट के लिए बहुत जरूरी था कि वो उन एंशियंट टेक्स्ट को पढ़ें और समझें जो कि संस्कृत में लिखे गए थे। मतलब इंडोलॉजिस्ट के लिए ये जरूरी था कि उनको संस्कृत की डीप नॉलेज हो। ब्रिटिश ऑफिशियल्स और स्कॉलर्स ने सबसे पहले ये काम शुरू किया जब इंडिया में ब्रिटिश रूल हुआ करती थी। सर विलियम जोन्स ने सबसे पहला एफर्ट किया था। उसके बाद कई सारे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ने उनको फॉलो किया था। इस लिस्ट में शामिल हैं लुई डूमो, गोविंद सदाशिव घुरिए, इरावती कारवे, के एम कपाड़िया। आज हम मेनली लुई डूमो और जी एस घुरिए के बारे में जानेंगे कि क्या थी उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन कास्ट सिस्टम को समझने में। लुई डूमो एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने इंडियन कास्ट सिस्टम पे काफी गहरी रिसर्च की थी और उसके लिए एंशियंट टेक्स्ट को गहराई से पढ़ा था। उन्होंने 1966 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था होमो हायरार्किकस, द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लिकेशंस। इस बुक में उन्होंने ये लिखा था कि मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटीज में इगैलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, इक्वालिटी पाई जाती है, लेकिन इंडिया में, जो कि एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है, इन इक्वालिटी पाई जाती है कास्ट सिस्टम के फॉर्म में। लुई डूमो ये जानना चाहते थे कि आखिर कास्ट सिस्टम के पीछे क्या कहानी छुपी हुई है, मतलब कास्ट सिस्टम के पीछे आखिर क्या आइडियोलॉजी हो सकती है। वो कौन से बिलीफ्स या वैल्यूज हैं जिनकी वजह से कास्ट सिस्टम को बनाया गया है। एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट की इन डेप्थ स्टडी करने के बाद वो इस कंक्लूशन पे पहुंचे थे कि प्रिंसिपल ऑफ प्यूरिटी एंड पोल्यूशन को मेंटेन करना ही कास्ट सिस्टम का मेन लक्ष्य है। इंडियन सोसाइटी में एक रिचुअल हायरार्की एग्जिस्ट करती है। रिचुअल हायरार्की इसलिए कह रही हूँ कि एक व्यक्ति की क्या पोजीशन है कास्ट हायरार्की में, ये उसके रिचुअल स्टेटस पे डिपेंड करता है। इस हायरार्की में सबसे ऊपर आते हैं वो कास्ट जिनको कास्ट सिस्टम के अनुसार रिचुअली प्योर या पवित्र माना जाता है। जैसे जैसे हम हायरार्की के नीचे की तरफ जाते हैं, रिचुअल प्योरिटी कम होती चली जाती है और रिचुअल इम्प्योरिटी उन कास्ट की ज्यादा होती जाती है। हायरार्की में सबसे ऊपर आते हैं ब्राह्मण्स, फिर आते हैं क्षत्रियज, फिर उनसे नीचे वैश्यज और आखिर में शूद्रज। ब्राह्मण्स को सबसे ज्यादा पवित्र या रिचुअली प्योर माना जाता है, शूद्रज को सबसे ज्यादा अपवित्र यानी रिचुअली इम्प्योर माना जाता है, ऐसा लुई डूमो ने अपनी कास्ट स्टडी में लिखा है। लुई डूमो कहते हैं कि इस हायरार्की का लक्ष्य है रिचुअली प्योर कास्ट को इम्प्योर कास्ट या पोल्यूटेड कास्ट से अलग रखना, सेपरेट रखना। सेपरेशन ऑफ प्योर कास्ट फ्रॉम द पोल्यूटेड कास्ट, यही मकसद है कास्ट हायरार्की का। लुई डूमो का कहना है कि ब्राह्मण्स का काम ही कुछ ऐसा है कि उन्हें प्योर रहना पड़ता है, क्योंकि रिलीजियस एंड एजुकेशनल फंक्शंस ब्राह्मण्स करते हैं। उसी तरह से लोअर कास्ट भी कुछ ऐसे काम करते हैं कि उन्हें पल्यूटेड या अपवित्र माना जाता है, जैसे कि वॉशिंग, क्लीनिंग, स्वीपिंग, मैनुअल स्कैवेंजिंग, मतलब मीनियल जॉब्स करते हैं। इसलिए जो अनटचेबल कास्ट थे, उन्हें गांव के बिल्कुल एक कोने में ही घर बना के सीमित रहने को कहा जाता था, ताकि उनकी इंटरैक्शन अपर कास्ट के लोगों के साथ ना हो पाए।
गांव के सार्वजनिक मंदिर में जाना या कुएं से पानी लेना, इन सब की अनुमति उन्हें नहीं थी, लेकिन बाकी के कास्ट के लोग ये सब कुछ कर सकते थे। लुई टुमो का ये कहना था कि कास्ट सिस्टम की वजह से ही इंडियन सोसाइटी में एक यूनिटी बनी हुई थी, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर या स्पेशलाइजेशन के द्वारा काम को सभी कास्ट्स में बांट दिया गया था। लुई टुमो को अन्य स्कॉलर्स ने काफी क्रिटिसाइज किया, क्योंकि लुई टुमो ने इंडियन सोसाइटी को काफी स्टैटिक या स्टैग्नेंट बता दिया था। इंडियन सोसाइटी में कोई खास चेंज नहीं हो रही थी कास्ट सिस्टम की वजह से, लुई टुमो ऐसा मानते थे। स्पेशली एमएन श्रीनिवास ने टुमो की क्रिटिसिज्म में कहा कि कास्ट में चेंजेस भी हो रहे हैं संस्क्रिटाइजेशन के द्वारा। तो शॉर्ट में लुई टुमो ने क्या कहा था, आइए देखते हैं। कास्ट सिस्टम हैज द फॉलोइंग फीचर्स अकॉर्डिंग टू लुई टुमो। फर्स्टली हायरार्की और ग्रेडेशन अकॉर्डिंग टू वंस रिचुअल स्टेटस। सेकेंडली म्यूचुअल रिपल्शन और सेपरेशन बिटवीन प्योर कास्ट एंड इम्प्योर कास्ट। एंड फाइनली डिविजन ऑफ लेबर अमंग द वेरियस कास्ट्स। अब आइए बात करते हैं जी एस घुरिये के बारे में, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। इंडियन सोशियोलॉजी की फाउंडेशन जी एस घुरिये ने ही रखी थी। वो ये मानते थे कि हिंदू ट्रेडिशंस को समझने के लिए हमें हिंदू स्क्रिप्चर्स को पढ़ के समझना होगा। वो इस बात में बिलीव करते थे कि सोशियोलॉजिस्ट का काम ही सोशल हिस्ट्री को समझना है, क्योंकि प्रेजेंट सोशल रियलिटीज को हम तभी समझ पाएंगे जब हम सोशल पास्ट को समझें। उन्होंने 1932 में एक बुक लिखी थी, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कास्ट सिस्टम इंडिया में आखिर कैसे ओरिजिनेट हुआ था। वो हर्बर्ट रीजली से अग्री करते थे कि कास्ट का ओरिजिन रेस से हुआ है और आर्यंस ही कास्ट को अपने साथ लेके आए थे। आर्यंस माइग्रेट करके इंडिया में आए थे सदर्न यूरोप से। ये दिखने में फेयर स्किन्ड होते थे, इंडिया की इंडिजीनियस पॉपुलेशन से काफी डिफरेंट लगते थे। आर्यंस अपनी वर्ण व्यवस्था अपने साथ लेके आए थे, मतलब उनके लोग चार हायरार्किकल डिविजन्स में बंटे हुए थे। कुछ लोग रिलीजियस एंड एजुकेशनल फंक्शंस को संभालते थे, कुछ मिलिट्री एंड पॉलिटिकल फंक्शंस को, कुछ इकोनॉमिक फंक्शंस को, और कुछ लोग सर्विस टास्क्स यानी मीनियल टास्क्स करते थे। घुरिये ये कहते हैं कि आर्यंस जो वर्ण व्यवस्था अपने साथ बाहर से लेके आए थे, उसमें कोई भी कास्ट सुपीरियर नहीं था और कोई भी कास्ट इंफीरियर नहीं था। तब का कास्ट सिस्टम तो केवल सोसाइटी को ऑर्गेनाइज रखने के लिए बनाया गया था। अलग अलग ऑक्यूपेशंस को अलग अलग कास्ट में बांट देने की वजह से आर्यंस हाईली डिसिप्लिन्ड थे और प्रोग्रेसिव भी थे, यानी प्रगतिशील थे। इसलिए इंडिजीनियस पॉपुलेशन या इंडिया की लोकल पॉपुलेशन उनसे काफी प्रभावित हुई और आर्यंस के कास्ट सिस्टम को धीरे धीरे इम्बाइब करना शुरू किया। ये कास्ट सिस्टम पहले तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित था, लेकिन फिर धीरे धीरे कास्ट सिस्टम साउथ की तरफ भी फैलने लगा। घुरिये ने इस प्रोसेस को डिफ्यूजन का नाम दिया है। डिफ्यूजन यानी वो प्रोसेस जिसके द्वारा एक कल्चरल एलिमेंट एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में स्प्रेड होने लगता है, मतलब कास्ट सिस्टम आर्यंस से नॉन आर्यंस में स्प्रेड होने लगा। अपनी बुक कास्ट एंड रेस इन इंडिया में जीएस घुरिये ने कास्ट सिस्टम के तमाम फीचर्स को डिस्कस किए हैं। आइए देखते हैं कि वो फीचर्स क्या हैं। पहला है सेगमेंटल डिविजन ऑफ सोसाइटी, मतलब हिंदू सोसाइटी में काफी सारे सोशल ग्रुप्स या कास्ट्स होते हैं और हर कास्ट एक क्लोज्ड ग्रुप है। क्लोज्ड का मतलब ये है कि बाय बर्थ एक व्यक्ति एक कास्ट का मेंबर बन जाता है, पूरी लाइफ उसको उसी कास्ट में रहना पड़ता है और वो अपनी कास्ट को बदल नहीं सकता है, उसी कास्ट के कस्टम्स रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। दूसरा फीचर है घुरिये के मुताबिक हायरार्की, जिसमें सारे कास्ट या तो किसी से सुपीरियर हैं या फिर इंफीरियर होते हैं। तीसरा फीचर है सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज, मतलब हर कास्ट को कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए हैं और कुछ डिसेबिलिटीज यानी डिसएडवांटेजेस भी मिले हुए हैं। जो कास्ट हायरार्की में हायर पोजीशंस पे स्थित हैं, जैसे कि ब्राह्मण्स, उनको प्रिविलेजेस या फैसिलिटीज ज्यादा हासिल हैं और उनकी डिसेबिलिटीज कम होती हैं। सबसे ज्यादा डिसेबिलिटीज या रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं लोअर कास्ट्स पे या अनटचेबल कास्ट्स पे।
एक और फीचर है लैक ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब अपना ऑक्यूपेशन आप खुद नहीं चूज कर सकते, वही करना होगा जो आपके पूर्वज करते आए हैं। अगला फीचर है रेस्ट्रिक्शंस ऑन फीडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स, मतलब अपने ही कास्ट या सब कास्ट के मेंबर्स के साथ ही बैठ के खाना खा सकते हैं, सोशल इंटरेक्शन कर सकते हैं, अपने कास्ट के बाहर ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं। कास्ट सिस्टम का ही एक और फीचर है कास्ट एंडोगैमी, जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, मतलब शादी आप ऐसे ही व्यक्ति से कर सकते हैं जो आपके अपने कास्ट या सब कास्ट को बिलोंग करता हो, इसी को कास्ट एंडोगैमी कहते हैं। लेकिन जब आर्यंस बाहर से अपनी वर्ण व्यवस्था लेकर आए थे तब कास्ट सिस्टम इतना रिजिड नहीं था, एक व्यक्ति अपने ऑक्यूपेशन को आसानी से चेंज कर सकता था, लोअर कास्ट की एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होती थी। ये सब चीजें बाद में आई, ऐसे जीएस घुरिए का मानना है। सोशियोलॉजी में घुरिए की कास्ट स्टडी को काफी इंटेलेक्चुअल माना जाता है, लेकिन उसकी काफी क्रिटिसिज्म भी की जाती है, क्योंकि घुरिए ने रिलीजियस टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स पे कुछ ज्यादा ही रिलाय कर लिया। सबको पता है कि ये टेक्स्ट ब्राह्मण्स द्वारा ही लिखे गए थे, इसलिए जब घुरिए सिर्फ इन टेक्स्ट के बेसिस पे ही अपनी पूरी स्टडी कर रहे हैं तो जाहिर है कि वो सिर्फ ब्राह्मण्स के पर्सपेक्टिव को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं और सोसाइटी में जो मेजॉरिटी के लोग हैं उनके पर्सपेक्टिव को इग्नोर कर रहे हैं। दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि घुरिए ने अपनी स्टडी में फील्ड वर्क तो बिल्कुल भी नहीं किया। फील्ड वर्क मतलब सोसाइटी में लोगों से मिलके, उनसे इंटरेक्शन करके, उनको ऑब्जर्व करना और सोशल प्रैक्टिसेस को भी ऑब्जर्व करके समझना, ये तो घुरिए ने कभी किया ही नहीं। उन्होंने सिर्फ एंशियंट टेक्स्ट पे ही रिलाय किया। एक और क्रिटिसिज्म ये भी है कि घुरिए ने कास्ट में हो रहे चेंजेस को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया, मतलब घुरिए ने कास्ट के डायनामिक एस्पेक्ट को बिल्कुल भी अपने स्टडी में हाईलाइट नहीं किया, बल्कि उन्होंने इंडिया को ऐसे ही पोर्ट्रे किया कि इंडियन कल्चर स्टैटिक है और कुछ खास चेंजेस इंडिया में नहीं आए हैं। इवन ब्रिटिश इन्फ्लुएंस भी इंडिया में खास नहीं देखने को मिली है। घुरिए ने इंडिया को कुछ ऐसे पोर्ट्रे किया मानो कास्ट सिस्टम एंशियंट टेक्स्ट के अनुसार ही चल रहा है। तो इस तरह से इंडोलॉजी की अप्रोच को अप्लाई की थी लुई डूमो ने और जी एस घुरिए ने इंडियन कास्ट सिस्टम की स्टडी में। लेकिन अगर इन दोनों ने अपनी स्टडीज को फील्ड वर्क से कॉम्प्लीमेंट किया होता तो उनकी स्टडीज काफी ज्यादा वैल्यूएबल हो गई होती। वी होप कि आपको आज का हमारे इंडोलॉजी पे डिस्कशन अच्छा लगा होगा। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको लुई डूमो और जी एस घुरिए की पर्सपेक्टिव को समझाएं कास्ट सिस्टम के बारे में लेके। कृपया हमारे ट्रस्ट एज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।